यहां पर इंटीग्रल्स का हमारे पास एक क्वेश्चन है हमने ये प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे लिख देते हैं अब देखो वैसे डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है बट इसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी हमने साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है लास्ट में लिमिट पुट करनी है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं तो बेस्ट जो है वैसे इसको करने के एक दो तरीके और भी हैं बट जो बेस्ट है वो है कि हम पुट करें एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा तो डी एक्स हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा अब लिमिट भी हमें चेंज करनी होगी अगर लिमि ये एक्स ज़ीरो है तो थीटा क्या होगा तो थीटा भी जीरो होगा बिकॉज साइन ज़ीरो ही तो ज़ीरो होता है और अगर एक्स वन है तो थीटा हो जाएगा पाई बाय टू क्योंकि साइन पाए बाय टू ही तो वन होता है तो जो लिमिट ज़ीरो टू वन थी अब चेंज होकर गए जीरो टू तो पाए बाय टू हो जाएगी तो जो इंटीग्रल है ये अब हो चुका है जीरो टू पाई बाई टू अच्छा साइन इन्वर्स एक्स की जगह पे केवल थीटा आ जाएगा समझे ना अगर साइन में इधर लेके आ जाऊँ तो साइन इनवर्स एक्स थीटा है एंड डी एक्स की जगह पे कॉस थीटा डी थीटा कॉस थीटा डी थीटा ठीक है ओके अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बाई पार्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट उसमें क्या है तो आईलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन आई आई होप आप फेमिलियर होंगे फॉर्मूले से फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉज का इंटीग्रेशन साइन होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो थीटा का डिफरेंशिएशन वन होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा अब बिकॉज इतना पार्ट तो हो चुका है इंटीग्रेट तो यहाँ पे लिमिट ऐसे हम रखेंगे और यहाँ पर लिमिट हम ऐसे रखेंगे बिकॉज ये अभी इंटीग्रेट करना है ओके यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे पाए बाय टू इंटू साइन पाई बाय टू होता है वन माइनस जीरो हो गया माइनस अब यहां पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा ठीक है तो ये हुआ और लिमिट जीरो टू पाई बाय टू ये आ चुकी है ये हो गया पाई बाय टू यहां पे और ये माइनस हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा लिमिट ज़ीरो टू पाई बाय टू पाई बाय टू प्लस कॉस पाई बाय टू ज़ीरो होता है माइनस कॉस ज़ीरो वन होता है तो ये आ जाएगा पाई बाय टू माइनस वन तो देयरफॉर फोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ चुका होगा